केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ग्वालियर दौरे पर आए, जहां उन्होंने लक्ष्मीबाई फिजिकल यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर आए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लक्ष्मीबाई फिजिकल यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देशभर के पोर्टल वालों को अपनी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय को ऑनलाइन देनी होगी। सूचना विभाग को और सूचना विभाग को जानकारी होनी चाहिए कि कौन कहाँ से पोर्टल चला रहा है। जैसे आपने पिछले कुछ दिन पहले देखा होगा, बहुत सारा षड्यंत्र ऐसा पाकिस्तान से भी चल रहा था कि जहाँ से एक प्रोपेगेंडा के रूप में उन वेब पोर्टल्स का, उन साइट्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र, एक ऐसा सोचा समझा प्रोपेगेंडा चलाते थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम भारत सरकार के सूचना प्रसारण विभाग ने किया है और आगे भी ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी होगी तो हम करेंगे, क्योंकि ये लोग झूठ, भ्रम, भय फैलाने का काम करते हैं, देश विरोधी ताकतें देश को तोड़ने का काम करती हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और ऐसे कोई और भी होंगे तो उनके खिलाफ रजिस्टर्ड करने की कोई कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार। इन्फॉर्मेशन देने का काम एक शुरुआत की है, उसमें आप सबको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप अपना वेब पोर्टल कोई साइट चलाते हैं उसकी जानकारी आपको वहां पर। इस दौरान ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, ग्वालियर।